हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको यहां से दिख रहा होगा और बीपीएससी TRE 3.0 की बात हो रही है। अब इसकी परीक्षा नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में आपको मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ। देखिए, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि बिहार में, खास करके बिहार में जो है किसी तरह की कोई भी संगतियाँ नहीं है। एग्ज़ाम से पहले आपको जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट, ज्वाइनिंग डेट, इवन आपकी ट्रेनिंग कब होगी, आपका प्रान नंबर कब बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा था। इसी बीच बीपीएससी TRE 1 होता है, TRE 2 होता है और TRE 3 भी हो जाता है। TRE 3 1 to 5 और 6 to 8 का एग्जाम हो जाता है और यहीं से समस्या जो है समस्या की शुरुआत होती है, जड़, इसे आप बोलोगे TRE 3.0 को। पहले क्या हुआ आपको पता ही है, पेपर लीक हो गया, पेपर जो है यहाँ पे लीक हुआ, उसके बाद से जो है समस्या सामने आई। और इसके बाद पेपर लीक जैसा हुआ ना, तो लोगों के मन में शंका उठने लगी कि TRE 1 और TRE 2 में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। उसके लिए लेकर भी जो है जांच वगैरह चल रही है, जल्द ही जो है चीजें सामने आएगी। उसके बाद देखो हुआ क्या, उसके बाद अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उसने जो है इस भर्ती पर रोक लगा दी है। अब ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 29/5/2024 की ये खबर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां से देखिए, मैं आपको पूरा फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं, जो है सोचता हूँ कि आपको पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 18 आप यहाँ से देख लो, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। कंसीडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, आई एम ऑफ द व्यू दैट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट टीचर एंड द गेस्ट टीचर आर डिस्चार्जिंग सेम ड्यूटीज एज दे आर टीचिंग द स्टूडेंट इन द स्कूल एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंड द गेस्ट टीचर्स। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर और गेस्ट टीचर के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि जिन लोगों ने जो है नियोजन के माध्यम से ज्वाइन किया है या फिर उनको जो है गेस्ट टीचर के रूप में रखा गया है, दोनों बराबर हैं, दोनों अपनी ड्यूटी को जो है 100% देकर जो है कर रहे हैं और ऐसे में उनके सैलरी के डिफरेंस में या फिर उनके पॉइंट के डिफरेंस में किसी तरह का अंतर नहीं आना चाहिए। आगे देखिए, इन माय ओपिनियन द गेस्ट टीचर आर आल्सो इंटाइटल टू 5 मार्क्स फॉर ईच 5 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो अगर 1 साल पूरा कर लेते हैं अपने काम का तो उनको 5 नंबर एटलीस्ट आपको देने ही होंगे। एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स आर गिवेन टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर, और कॉन्ट्रैक्ट टीचर को जो है मैक्सिमम 25 नंबर दिया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग, देखिए मैं क्या ही बोल रहा हूँ, एक्चुअली जो है जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, अकॉर्डिंगली दिस रिट पिटिशन इज अलाउड एंड द स्टेट, यहां से देखो स्टेट, द गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन टू ग्रांट 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 टू द गेस्ट टीचर एज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टीचर, यानी कॉन्ट्रैक्ट टीचर को जो 25 नंबर मिल रहा है उसी तरह से आपको गेस्ट टीचर को भी जो है 25 पर स्कोर देना होगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट को जो है सीधा सीधा हाईकोर्ट ने कहा कि आपको ये डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन जो है लेना ही होगा। आगे देखिए, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर जो है आप अपना फैसला बताएं, कोर्ट को अवगत कराएं कि आपने क्या किया नहीं किया, और उसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ेगी। द एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/24 यानी कि 22/24 जो है डेटेड 7/2/2024 यानी कि 7/2 यानी कि 7 फरवरी 2024 को जो TRE 3.0 का विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, नोटिफिकेशन जैसे भी आप समझो, वो जारी किया गया है हियर बाय स्टेट। आखिरी वर्ड जो बोलते हैं ना कि कभी कभी आखिरी सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाते हो लूडो में, सेम यहाँ पे है, सारी बातें कह दी गई और आखिरी में बोल दिया गया कि जो डिसीजन है वो या फिर ये जो भर्ती है उसे रोक दिया गया है। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार यहाँ पे इस मसले पे जो है सीधा सीधा बोल दे कि हाँ भाई हम एग्री हैं, लेकिन अब 1 महीने के लिए जो है ये डिसीजन रुक गया है, 1 महीने के बाद सुनवाई होगी और उसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल एज सच अब जो ये वैकेंसी जून में नहीं, अब इसको जो है जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। जून में तो ये होने से रही, जुलाई अगस्त तक ये भर्ती टल गई, TRE 4 भी आगे बढ़ गया, TRE 5 भी आगे बढ़ गया। देखिए और भी जो भी इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, अगर सरकार तुरंत सुनवाई करके जो है इस मसले पे डिसीजन ले लेती है तो भर्ती कराई जा सकती है। कोर्ट के दाव पेच मैं थोड़ा कम जानता हूँ, इसलिए कम ही बोलूंगा, क्योंकि अफवाह फैलाना, रूमर फैलाना मेरे लिए ठीक नहीं हो सकता है, किसी के लिए भी ठीक नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। जो बातें मैंने देखी PDF में वो बातें मैंने आपके साथ साझा करी, हाईकोर्ट का वो ऑर्डर था। बाय द वे ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो मैं आपके लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। TRE की तैयारी आप जहाँ से भी कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर लिखें, अगर आप पटना से देख रहे हो पटना लिखें, दरभंगा से देख रहे हो दरभंगा लिखें, जमुई से देख रहे हो तो जमुई लिखें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, उससे पहले जाने से पहले आखिरी में कुछ बातें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप TRE 3.0 की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स की वीडियोस आ रही है, तो प्लीज चैनल पे जाकर उसे देखें, 4 घंटे की एक मैराथन मैंने डाल दी है, वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपके काम में वो जरूर से जरूर आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हैव अ गुड डे।